हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आसान वेज। मैं हूं आपके साथ कैमी। तो फ्रेंड्स, आज एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि साउथ इंडियन बैंक जो है, तो एक नया रिक्रूटमेंट वो लोग नोटिस निकल चुके हैं ऑलरेडी, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी क्लर्क्स विद एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप प्रोबेशनरी क्लर्क्स बनने के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए और एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा और कैसे आप अप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ आपको अप्लाई करने के लिए कितना एग्जामिनेशन फी आपको देना होगा, इसके बारे में जितना जानकारी है मैं वन बाई वन आपको दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा फ्रेंड्स। और अगर आप फ्रेंड लोगों को इस बार नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो आप खुद इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, इसका रजिस्टर ऑफिस है त्रिशूर, केरला में, ठीक है। तो एक प्रोबेशनरी क्लर्क्स ये लोग रिक्रूटमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन दिए हैं, ठीक है। आप उन लोगों का जो वेबसाइट है ऑफिशियल, देखिए www.southindianbank.com, इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जनवरी शुरू हुए हैं और इसका डेट ख़त्म होगा 11 जनवरी 2022, और टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट है फेब्रुअरी, अभी टेंटेटिव है, एग्जैक्ट डेट नहीं दिए गए हैं, फेब्रुअरी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और पोस्टिंग होगा आपका केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा एंड ओडिशा, इस राज्य में आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है। आप इस राज्य से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, मिनिमम 2 ईयर्स इन क्लरिकल कैरेट इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है क्लरिकल कैरेट में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एज 28 के अंदर होना चाहिए, ठीक है, और अपर एज लिमिट रिलैक्स दिया गया है 5 साल सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। एडुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हो, और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर 60% मार्क्स से आपका थोड़ा पॉइंट भी नीचे है, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अदर रिक्वायरमेंट्स जो है इधर दिया गया है कि कैंडिडेट्स हैविंग परमानेंट एड्रेस इन द रेस्पेक्टिव स्टेट और दोज हु हैव बीन रेसाइडिंग इन द सेम स्टेट कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 5 ईयर्स एंड आर प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। लोकल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश भी आपको जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और जिस स्टेट से आप भरेंगे, उसी स्टेट का आपको 5 साल आपको कंटिन्यूअसली रहना, रिसाइडिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट को पहले में बोल दिया 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है, परसेंटेज कैसे काउंट होगा दिए गए हैं। आप वेबसाइट में जाके इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है, 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होगा और उसके बाद कंफर्मेशन किया जाएगा। जैसे आप परफॉर्मेंस करेंगे, आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको उन लोग कंफर्म करेंगे, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट रहेगा 3 साल का। पैकेज आप देख सकते हैं, मिनिमम 17,900 से शुरू होगा। उसके बाद आपको आपका परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स आपको दिया जाएगा। जैसे आप काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे उसी के हिसाब से दिया जाएगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे आपको सिलेक्शन करेंगे वो लोग, एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा। आप कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट ऑफ फीस देना होगा और आपका नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट स्कैन करना होगा एंड अपलोड करना, स्कैन करके अपलोड करना होगा, ठीक है। ये आपको अप्लाई करेंगे 5 जनवरी से 11 जनवरी के अंदर, ठीक है।
इसके बाद तो आपको पता ही है, फोटोग्राफ के बारे में सिग्नेचर होगा, ब्लैंकिंग से लेफ्ट टाइम इंप्रेशन देना होगा आपको, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जैसे आप बैंक एग्जाम का फिलअप फॉर्म फिलअप करते हैं भरते हैं उसी के हिसाब से, और दिखा गया सिग्नेचर कैपिटल नहीं होना चाहिए, हैंड रिटन कौन सा होगा ये डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, देखिए जनरल कैटेगरी के लिए अभी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको जानना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी एक बार अगर भर देंगे आप, फीस दे देंगे तो उसके बाद रिफंडेबल नहीं होगा। जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपया और SC ST कैटेगरी के लिए 200 देना होगा विथ GST चार्जेस। ठीक है, उसके बाद करेंट ओपनिंग में जाके वेबसाइट में आप लिंक है उस लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं लेके आऊँगा आपको इसके बारे जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्या क्या रहना है, कितने मार्क्स का है और आपको कितना टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आइए अभी देखते हैं डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट आपको नॉर्मल जैसे बैंक एग्ज़ाम देते हैं, जैसे SBI का देते हैं, IBPS का देते हैं, वैसा ही होगा, लेकिन इसमें एक ही एग्ज़ाम देना होगा, एक एग्ज़ाम दे के उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, इसमें कोई मेन एग्ज़ाम नहीं है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें 40 questions 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और 40 minutes, मतलब सेक्शनल टाइमिंग जो है वो है इसमें। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, 40 questions 50 marks, इसका 20 minutes आपको दिया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश 40 questions 50 marks, 40 minutes दिया जाएगा। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 40 questions 50 marks। ठीक है, 40 minutes आपको दिया जाएगा और जो वर्शन होगा ओनली इंग्लिश वर्शन में ही एग्ज़ाम आपको देना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 है, मैक्सिमम मार्क्स 200 है। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम एलोकेट किया गया है आपको 140 मिनट्स। पेनल्टी है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर देने से, 1/4 पेनल्टी है इसमें, और इंग्लिश वर्सन ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको SMS किया जाएगा, मतलब कॉल लेटर जब आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सेंटर एग्जाम सेंटर कहाँ पर है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, इसमें आप देख सकते हैं अपना अपना स्टेट में आपका है, सब स्टेट में दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस southindianbank.com में जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, आप चाहे तो इसमें जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ जानकारी लेना है, क्वेरीज है तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज इतना ही, तो मेरा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही, चलिए, थैंक यू।